दोस्तों हमारे देश में जब भी कोई संकट आया है, जब भी कोई मुश्किल आई है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो हमारा देश किस पे निर्भर हो जाता है? जी हाँ, हमारे जाबाज सिपाहियों के ऊपर। वही है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। सो अलग अलग सिचुएशन से लड़ने के लिए अलग अलग एजेंसीज को बनाया गया है जो कि अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनएसजी के बारे में। सो एनएसजी क्या होता है, उसके लिए अगर आपको जानना है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपकी होस्ट अपना, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। एनएसजी के फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इसकी फॉर्मेशन कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1984 में अंडर एक्ट 1986। सो इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है वो है एम ए गणपति। सो अगर हम इसके एम्प्लॉयज की बात करें तो 10,000 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इसके एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं। एनएसजी का मोटो क्या है? इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी कि ऑमनीप्रेजेंट ऑमनीपोटेंट सिक्योरिटी। सो बात करते हैं इसके फॉर्मेशन के बारे में। सो इसकी फॉर्मेशन किस तरह से की गई थी? तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1984 में, जब गोल्डन टेम्पल में अटैक हुआ था। तो उस टाइम पे जो ऑपरेशन जारी किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सो उस टाइम पे इंदिरा गांधी को लगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक एजेंसी बनानी चाहिए जो कि हमारे जो लोगों की सुरक्षा के लिए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है तो हमें एक ऐसी एजेंसी को बनाना चाहिए जो कि फौरन उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, हमारी रक्षा कर सके। उस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसने नई एजेंसी को क्रिएट किया। उसका नाम था एनएसजी, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी को एक और नाम से जाना जाता है, द ब्लैक कैट कमांडो। सो ब्लैक कैट कमांडो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो यूनिफॉर्म होती है, जो ड्रेस होती है, वो पूरी ब्लैक कलर की होती है और ये पूरी की तरह ब्लैक कैट की तरह दिखाई देते हैं। सो इसीलिए इनका नाम बोला जाता है, इनकी यूनिफॉर्म के हिसाब से और इनके जो यूनिटी है उसके हिसाब से इनको बोला जाता है ब्लैक कैट कमांडो। सो ब्लैक कैट कमांडो का हिस्सा बनना इतना ईजी वर्क नहीं है। इन्हें काफ़ी सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, काफ़ी सारी इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके ये ब्लैक कैट कमांडो का हिस्सा बन पाते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, यानी कि इनके काम के बारे में। सो हमें पता है कि ब्लैक कैट कमांडो को एक स्पेशल काम के लिए बनाया गया है, जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, सो उन सबको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इनको बनाया गया है। सो जब भी कोई एमरजेंसी काम होता है या किसी को भी एमरजेंसी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम ब्लैक कैट कमांडो को ही बुलाते हैं। सो एनएसजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है। सो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा इसका फंक्शन बनता है वो है काउंटर हाईजेक टास्क ऑन, जैसे सी हो गया, लैंड में कोई भी ऐसे हाईजेक की बोले प्रॉब्लम आती है, एयर में आती है, सो उस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए ब्लैक कमांडो को ही बुलाया जाता है। वही जो है इस सबकी सिक्योरिटी के लिए आगे आती है। इसी के साथ सेकंड पॉइंट है बॉम्ब डिस्पोजल। सो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि जैसे कोई कहता है कि हाँ पे बॉम्ब कहीं जगह पर बॉम्ब रखा हुआ है, यहाँ पे किसी भी बॉम्ब को डिस्पोज करने के लिए इनको हायर किया जाता है, इनको बुलाया जाता है। कोई भी अगर बॉम्ब को अगर आपको सर्च भी करना होता है, किसी को बताना है कि हाँ भाई यहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ, तो उस सब का काम करती है हमारी एनएसजी टीम ही करती है। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है सो उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो भी एनएसजी द्वारा ही की जाती है। अगर ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस जगह पर हुआ, सो जो भी इनकी इंक्वायरी होती है वो सारी की जाती है एनएसजी द्वारा ही। सो ये इसके काम है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है वीआईपी सिक्योरिटी। जब भी हमारे जैसे मिनिस्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, सो इन सबको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? हमारी एनएसजी टीम ही इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये काफ़ी सारे इसके फंक्शन है, और भी ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन है जहाँ पर हमारी एनएसजी टीम को ही हायर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एजेंसी है। सो इनको हायर किया जाता है किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सो एनएसजी की एथिक्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ एक्सलेंस, नंबर टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर हम एनएसजी की बात करें तो ये हर तरफ से परफेक्ट है,
और ये लीड यानी कि फ्रंट फुट पे आकर ही काम करती है, लीड करती है। उसी के साथ जीरो एरर, अगर आप इसकी एरर की बात करें तो इनमें जीरो एरर होता है, इनकी पूरी एक्यूरेट होती है, जो भी इनका काम होता है वो एक्यूरेटली ये परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ इनकी स्पीड, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी एक्यूरेसी के साथ ही एनएसजी को एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से जाना जाता है। सो ये थी एनएसजी, जो कि हमारी इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं। सो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह की और आपको एजेंसी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।